De parar do pai lá, do pai lá, da pata polpo. Let's go, dosto! Neymar, the Brazilian samba, will be playing for the first time ever in India. Ji ha, dosto, ex-Barcelona sitara, jo PSG gaya tha, king banne, but king bane nahi paya. फिर उसके बाद उसने सऊदी ज्वाइन किया, उसको लोग ताने मार रहे थे, पैसे के लिए गया। लेकिन अल हिलाल जाने के बाद कल एक ऐसा दिन था भाई, हमें मालूम पड़ा कि ही विल स्टेप इन इंडिया एंड विल प्ले इन द स्टेडियम ऑफ शिव छत्रपति शिवाजी, वो ना वो स्टेडियम का नाम है, आई डोंट नो, मैं पूरा भूल गया, बिलाड़ी स्टेडियम पुणे में होने वाला है। दैट इज गोना बी क्रेजी दोस्तों, दैट्स गोना बी क्रेजी। हाँ आई नो, थोड़ा शक्ल थोड़ा उतरा हुआ है, सर्दी वगैरह हो रहा है, बाहर मतलब पक्षी है, लोग आवाज कर रहे हैं, बट यस वी आर बैक आफ्टर 2 डेज के बाद वीडियो आने आ रही है। सो भाई यस भाई, इट्स AFC चैंपियंस लीग, मुंबई सिटी विल बी प्लेइंग अगेंस्ट दैट इज अल हिलाल, मतलब कुलीबाली, सैविच, रुबिन नेवेस, नेमार, फिर कौन है, बोनो, ओए होए होए, बहुत मजा आने वाला है भाई, क्रेजी। एंड ऑब्वियसली पुणे का जो स्टेडियम है वो 11,000 ही है, एंड अब से लोग पागल हो रहे कि भाई टिकट्स कहाँ पर देखे, टिकट्स कहाँ पर बुक करे हो वगैरह, अभी तक तो अपडेट नहीं आई है, लेकिन एक है ना, एक ये बोल सकते एक डिसएडवांटेज कि 11,000 का अटेंडेंस है, तो इसमें आपको VIP टिकट्स भी देने पड़ेंगे, आपको अवे फैंस, होम फैंस, ये सब भी करना पड़ेगा, तो टिकट्स करें तो बहुत मारामारी होने वाला है। आई डोंट नो कि क्या कैसा सीन है, बट इट्स नेमार, यू नेवर नो। चलो ठीक है, मेसी रोनाल्डो आता तो यू विल बी श्योर, आपको पता था कि ये बंदा खेलेगा, बट इट्स नेमार दोस्तों, इट्स नेमार। अगर आपको टिकट्स बुक करने हैं, डू इट ऑन योर रिस्क, मतलब समझो अगर 150 या 200 रुपए का रहेगा ठीक है, फिर भी ठीक है, बट अगर ये 500 या 1000 रुपए का टिकट रहता है एंड यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद और गोवा, कहां से भी ट्रैवल कर रहे हो पुणे में, सो फिर आपके लिए थोड़ा हैवी लॉस हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर सिर्फ आप नेमार को देखने आ रहे हो, ठीक है मुंबई सिटी है आई एग्री, बट अगर आप सिर्फ नेमार को देखने आ रहे हो तो फिर थोड़ा डू इट ऑन योर रिस्क भाई, मैं ऐसा आपको डरा नहीं रहा, बट यू नो शादी क्या उसको बहन की शादी हो गई या तो नेमार की बहन का बर्थडे हो गया तो वो वहां पर जाएगा, तो इट्स नॉट, मतलब बोल सकते कि भाई नेमार का फिक्स नहीं है, बट इस आइए बात करते हैं हमारे ग्रुप में कौन कौन है, फिक्सर्स क्या क्या होने वाला है, एंड मुंबई सिटी कैसे परफॉर्म करेगी ये वाले AFC चैंपियंस लीग एडिशन में, सो यस जानेंगे ये वीडियो में। सो ऑब्वियसली ड्रॉ हुआ एंड ग्रुप डी में हम लोग प्लेस्ड है, तो मुंबई सिटी के साथ है सऊदी की अल हिलाल, उसमें ईरान की FC नासाजी और उज़्बेकिस्तान की क्लब PFC नव बहोर। अगर आप बात करोगे ये जो नासाजी है ईरान की क्लब और उज़्बेकिस्तान की क्लब नव बहोर है, ये लोग दोनों का पहली बार डेब्यू है इन द AFC चैंपियंस लीग, ठीक है इनका पहली बार डेब्यू है, तो जैसे ही मैंने देखा कि भाई इनका पहली बार डेब्यू है तो मुझे लगा भाई ये तो डेब्यू है भाई, इनको तो पेल लेंगे, बट देन फिर बाद में मालूम पड़ा कि नहीं भाई, दे आर अ गुड रिस्पेक्टेबल क्लब, सो हल्के में नहीं ले सकते, हमें अपना एक गेम दिखाना पड़ेगा टू विन दिस मैचेस, सो मैंने ऐसा सोचा था। अगर आप बात करोगे अल हिलाल के बारे में, ठीक है अभी आई नो सऊदी के बारे में किसको नहीं पता, बट अल हिलाल के बारे में आपको बता देता हूं, लास्ट टाइम अल हिलाल हारी थी फाइनल उरावा रेड्स के साथ, हमने वो फाइनल देखा था, और मतलब आप बात करो 4 times चैंपियंस है, ठीक है मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है इन द AFC चैंपियंस लीग, 4 times ACL चैंपियंस है। अगर आप बात करोगे इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हमें देखने मिलेंगे, दैट विल बी नेमार, कुलीबाली, रुबिन नेवेस, फिर सैविच, फिर बोनो है, फिर मिट्रोविच याद है पुलम का स्ट्राइकर, जी हाँ ये लोग सब खेलने वाले हैं एंड बहुत मजा आने वाला भाई, इट विल बी क्रेजी। एंड अगर आप बात करोगे देखो इंडियंस के लिए कैन यू एवर इमेजिन, मतलब ये जो एरा हम लोग, ये जो टाइम हम लोग विटनेस कर रहे ना, दैट विल बी वेरी क्रेजी, बट बिकॉज अब जब हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, ठीक है जब हम लोग फ्यूचर में जाएंगे तो हम लोग फ्यूचर किड्स को बोलेंगे, नहीं भाई आप लोग ने तो नेमार को नहीं देखा, द ब्राजीलियन सांबा को तो नहीं देखा, बट मैंने देखा था भाई, मैंने खुद अपने आंखों से विटनेस किया था कि नेमार प्लेइंग इन इंडिया इन फ्रंट ऑफ द इंडियन फैंस, एंड ऑब्वियसली ये सब का क्रेडिट जाता है ऑल माइटी मुंबई सिटी FC लॉन्डो, मुंबई सिटी FC के पैर पड़ो, पूजा करो, कुछ भी करो, बिकॉज भाई ये करने में ना आपको एक गुदा रहना चाहिए, आपके अंदर दम रहना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली भाई
दो टाइम्स आपने आईएसएल शील्ड जीती है, नॉट रोने मतलब दो बार आईएसएल शील्ड जीती है, एक बार कंटिन्यूसली नहीं बट स्टिल भाई आपने आईएसएल जीता, इतने रिकॉर्ड तोड़े एंड नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग फॉर द सेकेंड टाइम इन द एएफसी चैंपियंस लीग, दैट इटसेल्फ। इसलिए मैं चाह रहा था कि मुंबई सिटी कैसे ना कैसे करके नॉकआउट में चले जाए, बट अभी ऐसा सीन है कि जो भी ग्रुप विनर्स रहेंगे वो जाएंगे और तीन बेस्ट रनर अप जाएंगे। सो इट विल बी टफ, आई एम नॉट टेलिंग इट विल बी टफ, बट इमेजिन दोस्तों, इमेजिन कि नेमार खेलेगा मुंबई सिटी के साथ, ठीक है। दो मैचेस होने वाले, एक तो होम और एक अवे होने वाले, ठीक है। ये दो मैच होने के बाद और पहले, ये दो मैच होने के बाद और पहले, अगर आप बात करें पहले बात तो इंस्टाग्राम पे जो मुंबई सिटी ने पोस्ट डाला ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारे इंप्रेशंस आ ही चुके हैं, इंप्रेशंस हो गए, इनसाइट्स हो गए, जो ट्विटर का वगैरह रहता है, ठीक है, वो तो आ ही चुके हैं। बट उसके बाद नाउ यू इमेजिन, और बीआर फुटबॉल ने भी डाला, बीआर फुटबॉल ने भी डाला कि मुंबई सॉरी अल हिलाल हैव बीन ड्रॉन विद द इंडियन क्लब मुंबई सिटी यू वगैरह, ही विल ट्रैवल टू इंडिया। बट जस्ट इमेजिन ये दो मैच होने के बाद जस्ट इमेजिन 4-3-3 जो हमारा ना यूरोपियन कट ये है, 4-3-3 हो गया, वन फुटबॉल हो गया, बीआर फुटबॉल हो गया, ईएसपीएन हो गया एंड और भी ऐसे बहुत सारे जो है ना हमको देखने मिलते हैं कि जो सोशल मीडिया पे लोग बीआर फुटबॉल जैसे बाहर बहुत ये इरिटेटिंग है, जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है। तो ये लोग सब जो ट्विटर हैंडल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स, ये लोग पोस्ट डालेंगे एंड तभी पूरी दुनिया को मान पड़ा कि हाँ भाई मुंबई सिटी एंड इंडियन क्लब एग्जिस्ट। So that's gonna be crazy. और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई हम लोग आप आते हो हम लोग हारे या जीते, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। और भाई हमारे जो ये इंडियन प्लेयर्स और जो भी पूरा इंडियन क्लब के लिए इतना बड़ा फीट रहेगा ना भाई, that's gonna be crazy and I'm happy कि अल नसर जैसी टीम नहीं आई, ठीक है। रोनाल्डो वगैरह आता बट यार अल नसर में आप सबको पता अभी भी वो टेलिस्का को रजिस्टर करने वाले एशिया कोटा एशियन कोटा का, तो उन्होंने तो फुद्दू जैसा साइनिंग्स किया, कुछ दिमाग वगैरह लगाया नहीं। बट यार अल हिलाल यू कैन से We are facing सऊदी अरेबिया, सऊदी की जो लीग है ना, सऊदी की जो लीग है टॉप क्लब, बेस्ट क्लब से हम लोग का मुकाबला होने वाला है एंड ऑब्वियसली इफ यू वॉन्ट टू बी बेस्ट यू हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट, है ना, अगेंस्ट द बेस्ट। सो दैट्स इट सो भाई बहुत मजा आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली मैं शायद से नहीं जा पाऊंगा यार, छुट्टी वगैरह का भी सीन रहेगा एंड नो घर से आई डोंट थिंक सो कि अलाउड करेंगे, बट कोई दिक्कत बात नहीं, हम एज ऑलवेज भाई यूट्यूब पे तो बकचोदी करेंगे एंड देखेंगे हमारे ब्राजीलियन सांबा को। एंड जस्ट इमेजिन भाई चांगटे क्या बोलते उसको, चांगटे गिविंग नाइटमेयर्स टू दैट कुलिबाली, दैट कुलिबाली उसको ये देगा, सेनेगलिस डिफेंडर उसको ये देगा। फिर आप बात करते हो मिट्रोविच को अपना अपना मेहताब सिंह पॉकेट करेगा, नेमार को अपना राहुल बेके, राहुल भाव विल पॉकेट हिम, तो दैट्स क्रेजी। और अगर समझो ड्रॉ या हम लोग जीत गए, खुदा ना खास्ता हम लोग जीत गए ना भाई, दैट मतलब वो पिक करेगी ना, फिर दैट विल बी आउट मतलब बोल सकते हैं मुंबई सिटी की हिस्ट्री की बेस्ट वो रहेगा, बेस्ट दे देगा कि जिससे हम लोग जीतेंगे। सो यस भाई ये एक छोटा सा रिएक्शन था ऑन द एएफसी, बिकॉज ऑब्वियसली दो दिन से थोड़ा बीमार हूँ, वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे, बट यार लेट्स होप कि जल्दी से आ जाए। बट हाँ अभी ये दिख रहा है चेहरा भी पूरा खराब हो चुका है, ठीक है। तो यस गाइस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितने एक्साइटेड हो एंड मुंबई सिटी फैंस, ऑब्वियसली मुंबई सिटी एंड फैंस आप लोगों को थैंक यू सो मच लॉन्डो, थैंक यू सो मच, आप लोग के वजह से हम लोग ये विटनेस कर पा रहे हैं मुंबई सिटी। सो यस भाई थैंक यू सो मच एंड आपके क्या थॉट्स है डेफिनेटली डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय बाय, टेक केयर एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करते रहेंगे एंड सपोर्ट करते रहेंगे इंडियन फुटबॉल को। लेट्स गो, आई एम शिव मुंबई।